जब एक बालक धरती पर जन्म लेता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन जब खुद भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तो धरती ही धन्य हो जाती है और भक्त भी धन्य हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ जब धरती पर श्री राम ने जन्म लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवाइन मेलोडीज़, मैं हूँ आपके साथ सारिका। और सबसे पहले आपको जय श्री राम। रामनवमी का त्यौहार भगवान राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन श्रद्धालु पूरे मन से श्री राम, सीता और हनुमान जी की पूजा अपने घरों और मंदिरों में करते हैं, तो वहीं इस दिन घरों और मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ आयोजित किया जाता है। रामनवमी के दिन कई जगह बड़े बड़े पंडाल भी लगाए जाते हैं, भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा हनुमान जी के मंदिर में कई जगह ध्वजा भी चढ़ाई जाती है। रामनवमी के दिन बहुत सारे लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, तो वहीं राम मंदिर और हनुमान मंदिर को खास तरह से सजाया जाता है। इसके अलावा श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी इस पर्व को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अयोध्या में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से भक्तगणों के अलावा साधु संन्यासी भी पहुँचते हैं और राम जन्म का उत्सव मनाते हैं। भगवान राम सदाचार के प्रतीक है, इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। लेकिन आखिर भगवान श्री राम का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, आइए हम आपको बताते हैं। प्रभु राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन किसी रानी से उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तत्पश्चात राजा दशरथ ने पुत्र पाने की इच्छा अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ से बताई। महर्षि वशिष्ठ ने विचार कर ऋषि श्रृंगी को आमंत्रित किया। ऋषि श्रृंगी ने राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने का प्रावधान बताया। ऋषि श्रृंगी के निर्देशानुसार राजा दशरथ ने यज्ञ करवाया। जब यज्ञ में पूर्णाहुति दी जा रही थी, उस समय अग्निकुंड से अग्निदेव मनुष्य रूप में प्रकट हुए और अग्निदेव ने राजा दशरथ को खीर से भरा कटोरा दिया। तत्पश्चात ऋषि श्रृंगी ने बताया, हे राजन, अग्निदेव द्वारा प्रदान किए गए खीर को अपनी सभी रानियों को प्रसाद रूप में दीजिएगा। प्रसाद ग्रहण के पश्चात निश्चित अवधि में अर्थात चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ के घर में माता कौशल्या के गर्भ से राम जी का जन्म हुआ और कैकेयी के गर्भ से भरत और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राजा दशरथ के घर में चारों राजकुमार एक साथ समान वातावरण में पलने लगे। राम जन्म की खुशी में उसी समय से राम भक्त रामनवमी पर्व मनाते हैं और आज भी बड़े ही धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इस रामनवमी मैं यही कामना करती हूँ कि भगवान राम की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें और अपने जीवन में तरक्की करें। फिलहाल दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा रामनवमी का प्रोग्राम? अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मुलाकात होगी अपने एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आपको एक बार फिर से जय श्री राम।